हेलो, ओके आवाज़ आ रही okay, so, uh, है ओके सो हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग शुभम जो लिंक है कॉन्टेस्ट की मैं हमारा जो uh, आज लेक्चर होने के बाद जो शेड्यूल है कॉन्टेस्ट का तो उसमें मैं जो लिंक है वो लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा ठीक है जो हमारा फोर uh, बजे कॉन्टेस्ट होगा जिसका डिस्कशन होगा उसी वीडियो के चार बॉक्स में मैं जो लिंक है वो लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा ठीक है सो so, देखो कि आज की सेशन में हमें क्या डिस्कशन करना है ठीक है तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द फ्री पार्टिकल एंड बाउंड पार्टिकल सो so, फ्री पार्टिकल एंड बाउंड पार्टिकल के ऊपर जो है हमने डिस्कशन किया था ओके की व्हाट इज द फ्री पार्टिकल फ्री पार्टिकल हम किसको बोलते हैं बाउंड पार्टिकल हम किसको बोलते हैं तो इसका जो डिस्कशन uh, है वो डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया है अबाउट वन डी बॉक्स ठीक है तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो स्टार्टिंग है वो वन डी बॉक्स से होता है तो इस लेक्चर में और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वन डी बॉक्स की वन बॉक्स जो है वो वनडी बॉक्स में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है वन बॉक्स की वो कैसे वो कैसे फाइंड आउट करते हैं देन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल क्या होता है थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं देन स्टेप पोटेंशियल पोटेंशियल डेप देन टाइम इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम एंड देन उसके बाद ये जो पार्ट है ये पार्ट जो है ये आपका एस टी आर में आता है ठीक है एंड ये जो पार्ट है जो एस का पार्ट है उसमें मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि सो so दैट पे कौन सा भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आप वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ठीक है सैनी गुड मॉर्निंग ओके सो वेबसाइट पे आपको आई ऑनलाइन में जाके आई जाम फिजिक्स में जाके ऑनलाइन uh, कॉन्टेस्ट में अगर आपने क्लिक किया तो आपको वहां पे मिल जाता है मैंने कल किया है तो मुझे मिल गया है ठीक है तो आप जो है उसको और मैं जो हमारा कॉन्टेस्ट होगा आज फोर बजे उसका डिस्कशन होगा ये लेक्चर खत्म होने के बाद वो जो लिंक है मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा वो लेक्चर के जो हमारा कॉन्टेस्ट का लेक्चर है उसके नीचे मैं लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगा ठीक है सो देन आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल बॉक्स ठीक है तो वन डे बॉक्स में आ, सब जो स्टूडेंट्स है उनको इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो आइडिया होगा पर फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे देन वन बॉक्स में प्रोबेबिलिटी क्या होती है कैसे फाइंड आउट करते हैं ठीक है देन वेव फंक्शन का जो है वो वेव फंक्शन का हम कैसे करते हैं वो सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे ओके okay, चलो नाउ ये जो है इसके बारे में मैंने कल के लेक्चर में भी डिस्कशन जो है वो किया था क्या डिस्कशन था कि जो विनर ऑफ एवरी कॉन्टेस्ट जो होगा उसको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी टॉप फाइव ऑफ एवरी कंटेंट चांस टू प्ले मेगा कॉन्टेस्ट होगा, उनको मिलेगा फ्री आई आई टी जाम फुल कोर्स सेकंड प्लेस पे जो होगा उनको मिलेगा फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट ठीक है तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन डी बॉक्स वन डी बॉक्स

ये जीरो कब होगा जब ये जो एक्स जो है ये हमारा इसके अंदर होगा एंड दिस इज इंफिनिटी कब होगा अदरवाइज ओके okay. तो ये जो होता है दिस इज वन डायमेंशनल बॉक्स ओके तो ये वन डी बॉक्स है Now, अब पे हमें निकालना है कि इसकी जो एनर्जी होती है

ये क्या है हमारा लेट से x इज इक्वल टू जीरो एंड ये है हमारा लेट से x इज इक्वल टू लेट से टू ए मतलब लेंथ जो है उस बॉक्स की वो लेंथ है बॉक्स की जो लेंथ है उसको लेट से हमने क्या किया इंक्रीज किया अब इसका वेव फंक्शन क्या होगा एंड इसकी एनर्जी क्या होगी ठीक है व्हाट इज द वेव फंक्शन एंड व्हाट इज द एनर्जी तो इसका जो वेव फंक्शन होगा इसका जो वेव फंक्शन होगा वो होगा साइन ऑफ एक्स अंडर रूट टू अपॉन यहां पे ए था बिकॉज ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी थी ए थी. ना तो यहां पे होगा अंडर रूट टू बाय टू ए इंटू साइन एन पाई एक्स बाई ए ये होगा वेव फंक्शन ठीक है ना सो एंड एनर्जी जो होगा वो एनर्जी कितना होगा एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन टू एम ए ए क्या है हमारा यहाँ पे अब इस बॉक्स के लिए जो ए है ये ए क्या है हमारा टू ए है तो ये होगा टू ए का तो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन होगा ये ये वेव फंक्शन होगा एंड जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी दिस तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट एन स्क्वेयर पाइस स्क्र एच क्रॉस स्कोर अपॉन एट एम ए है So, देखो यहां पे अगर वन डायमेंशनल बॉक्स है तो वन डायमेंशनल बॉक्स में इन जनरल अगर हमें यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन से अगर हमने इन जनरल अगर लिखना स्टार्ट किया तो क्या होगा कि फॉर वन डी बॉक्स फॉर वन डी बॉक्स अब वन डी बॉक्स के लिए देखो फॉर वन डी बॉक्स साइ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साई एन ऑफ एक्स क्या होगा वन डी बॉक्स के लिए अंडर रूट टू बाय लेंथ करेक्ट ना बिकॉज यहां पे देखो यहां पे क्या था दिस इज द ए दैट मींस लेंथ ऑफ दिस बॉक्स और यहां पे क्या है लेंथ जो है वो टू ए कर दिया मतलब यहां क्या यहां पे क्या हुआ अंडर रूट टू बाय लेंथ इन टू साइन एन पाई एक्स बाय लेंथ ओके सॉरी यहां पे भी क्या होगा टू होगा तो ये क्या होगा लेंथ तो ये जो है ये बनेगा हमारा

फॉर द वनडी बॉक्स अगर आप वनडी बॉक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो फॉर वनडी बॉक्स मीन फंक्शन होगा उस पार्टिकल का इन वनडी बॉक्स एंड एनर्जी जो होगा वो ये होगा ठीक है अब देखो ये जो बॉक्स है ये जो बॉक्स है ये बॉक्स जो है ये बॉक्स कौन सा बॉक्स है ठीक है ना ये बॉक्स जो है ये कौन सा बॉक्स है तो इस बॉक्स को हम बोलते हैं अट्रिक बॉक्स ये जो हमारा बॉक्स है ये बॉक्स को हम बोलते हैं असिमेट्रिक बॉक्स ठीक है ये कौन सा बॉक्स है असिमेट्रिक असिमेट्रिक मतलब क्या यहां पे जीरो है एंड मतलब यह, यहां पे जितना पोर्शन है वो सेम पोर्शन निगेटिव में है क्या नहीं है सो दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिक बॉक्स ठीक है तो असिमेट्रिक बॉक्स मतलब क्या कि जैसे यहां पे जीरो टू ए है तो जीरो टू माइनस ए पार्ट यहां पे नहीं है

सिमेट्रिक बॉक्स के लिए आपको इन जनरल फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा दिस इज दिस किसके लिए दिस इज फॉर द असिमेट्रिक बॉक्स ओके क्योंकि एग्जाम में अब असिमेट्रिक बॉक्स जो है उसको हम कैसे पता कर सकते देखो जब अगर यहां पे ये कंडीशन है तो उसको हम बोल सकते कि असिमेट्रिक बॉक्स है ठीक है ओके सो रामू जाम फिजिक्स स्कॉलरशिप टेस्ट ओके okay? ओके okay, तो रामू वन टू थ्री जो स्कॉलरशिप uh, टेस्ट है उसका जो रिजल्ट है उसका एनालिसिस हो रहा है विद इन टू टू थ्री डेज वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मैं ही डिस्प्लेस करूंगा यहां पे ठीक है ना तो उसका जो टेक्निकल टीम है वो आ, अभी एनालिसिस कर रहा है ठीक है तो वो जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसका भी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा एंड टॉप थ्री जो स्टूडेंट्स होंगे उनको जो ये सब्सक्रिप्शन है वो दिया जाएगा डोंट वरी अबाउट दैट जो हमने बोला है वो आपको डेफिनेटली हंड्रेड एंड हंड्रेड परसेंट मिलेगा दैट इज फॉर श्योर ओके उसपे जो है उसपे काम चल रहा है ठीक है ओके okay. और उसका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट मैं डिस्प्ले डिस्प्ले करूंगा विद इन टू टू थ्री डेज ओके चलो तो दिस इज फॉर द वनडी बॉक्स तो देखो यहाँ पे अगर वनडी बॉक्स है और वो वनडी बॉक्स अगर असिमेट्रिक है तो जो वेव फंक्शन होगा वो वेव फंक्शन होगा दिस तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है लेंथ है तो आपका जो लेंथ होगा वो कितना भी होगा तो जस्ट यहाँ पे लेंथ का वैल्यू पुट कर दो ठीक है ना देन यहां पर जो ए है इस ए की जगह पे जिस लेंथ का वैल्यू जो आपको पुट करना है सो दिस इज दशन फॉर दंडी बॉक्स बट दिस इज दंडी बॉक्स बट ये जो वन डी बॉक्स है ये वनडी बॉक्स असीमेट्रिक वन डी बॉक्स है ठीक मतलब है मतलब ओनली जीरो टू ए है ओके जीरो टू माइनस ए नहीं है सो दिस इज द असीमेट्रिक वन डी बॉक्स तो ये जो है ये असीमेट्रिक वन डी बॉक्स है नाउ ये होगा उसका वेव फंक्शन एंड ये होगा इसका एनर्जी ठीक है नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर सिमेट्रिक बॉक्स है तो क्या होगा फॉर द सिमेट्रिक वनडी बॉक्स तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो होगा हमारा फॉर सिमेट्रिक वन डी बॉक्स फॉर सिमेट्रिक वन डी बॉक्स अगर सिमेट्रिक वन डी बॉक्स है तो यहां पे जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा वो देखते हो सिमेट्रिक वन डी बॉक्स मतलब देखो ये जो वन डायमेंशनल बॉक्स है लाइक दिस दिस बॉक्स ठीक है एंड ये जो वनडी बॉक्स है ये सिमेट्रिक है सिमेट्रिक है मतलब यहां पे है आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है ये आपका x इज इक्वल टू जीरो पे लाइन है ये है आपका इक्वल टू माइनस ए एंड यहां पे है आपका इक्वल टू प्लस अब ये जो बॉक्स है ये बॉक्स जो बन गया ये बॉक्स है हमारा सिमेट्रिक वन डी बॉक्स देखो यहाँ पे ये जो लेंथ है ये लेंथ कितना है आपका ये लेंथ है आपका a ठीक है ना ये लेंथ है आपका a एंड ये वाला जो लेंथ है ये वाला लेंथ जो है आपका वो भी कितना है ए है मतलब जितना पार्ट यहां पे है उतना ही पार्ट यहाँ पे है सो दिस इज सिमेट्रिक वनडी बॉक्स तो ये जो बॉक्स है ये क्या है symmetric 1D box है। so, symmetric 1D box में जो हमारे फंक्शन होगा एनर्जी होगा वो कितना होगा क्या होगा वो अब यहां मैं डिस्कस करना है तो देखो साई एन ऑफ एक्स साइ एन ऑफ एक्स फंक्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं तो ये जो वेव फंक्शन होगा दिस इज अंडर रूट टू अपॉन यहां पे इसका जो लेंथ है वो लेंथ कितना है ये कितना लेंथ है दिस लेंथ, ए, तो ये होगा टू अपॉन टू ए इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन टू ए ये होगा इसका वेव फंक्शन और इसका वेव फंक्शन जो है ये वेव फंक्शन ऐसे भी होता है टू अपॉन टू ए इंटू कॉस एन पाए अपॉन टू ए ठीक है ना अब देखो यहाँ पे मैंने दो वेव फंक्शन जो है वो दो, दो वेव फंक्शन क्यों निकाले तो यहाँ पे ये यह वन डी वन बॉक्स है तो इसकी जो है ये क्या होगी इसकी एनर्जी लेवल्स होंगी तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगा एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू टू यन इज इक्वल टू थ्री एन इज इक्वल टू फोर लाइक दिस ठीक है ना अब यहां पे देखो तो इसमें ये जो यहाँ पे क्या है साइन है एंड यहां पे क्या है कॉस है तो अगर आपका वनडी बॉक्स जो है वो अगर सिमेट्रिक बॉक्स है तो यहां पे साइन आएगा वेव फंक्शन में वो कब आएगा जब आपका यन जो है वो यन क्या होगा इवन होगा ओके इफ यूर येन इज इवन देन यहां पे क्या आएगा साइन आएगा एंड ये जो वेव फंक्शन है ये वेव फंक्शन कॉस आएगा जब आपका यन जो होगा वो यन क्या होगा ऑड होगा अब आप यहां पे सिमेट्रिक वनडी बॉक्स में इसको कैसे याद रख सकते हैं कि हमें साइन लिखना है या कॉस लिखना है देखो ई वन में क्या आता है यन एंड साइन में भी क्या आता है येन. अगर यन ईवन है मतलब क्या है यन ई वन में यन आता है तो यहाँ पे साइन ले लो अब यहाँ पे क्या है ऑड तो ऑड में वो है वो किस में होता है कॉस में होता है अब पे देखो ये यू वन ये क्या है ऑड मतलब इसका जो वेव फंक्शन होगा वो कॉस में होगा ये, 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 ये टू क्या है टू हमारा इवन है तो ये किस में होगा साइन में होगा ये क्या है ऑड तो ये किस में होगा कॉस में होगा और यहाँ पे क्या ये फोर फोर क्या है हमारा इवन इवन में यन आता है तो ये जो वेव फंक्शन होगा ये क्या होगा आपका साइन होगा ओके सो दिस इज द वेव फंक्शन अगर आपका वनडी बॉक्स जो है वो अगर सिमेट्रिक की वन डी बॉक्स है

एन पाई एक्स अपॉन लेंथ लेंथ ओके बट ये जो वेब फंक्शन है ये फंक्शन ये फंक्शन किसके लिए होगा दिस इज दंक्शन इफ यूर एन इज इवन तो आपका जो ये वेव फंक्शन होगा ये वे फंक्शन कब होगा जब आपका एन जो है वो क्या होगा इवन होगा ठीक है ना देन सेकेंड भी हम लिख सकते हैं दट इज द साइन एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा अंडर रूट टू अपॉन लेंथ अंडर रूट टू अपॉन लेंथ इनटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन लेंथ तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या फंक्शन आ रहा है यहाँ पे कॉस फंक्शन आ रहा है सो ये कॉस फंक्शन आ रहा है मतलब क्या वो मतलब एन जो होगा ये एन क्या होना चाहिए हमारा और होना चाहिए ठीक है so, सो यन जो है ये यन क्या होना चाहिए हमारा और होना चाहिए सो दिस इज द इन जनरल तो ये जो है ये इन जनरल है अगर आपको कोई भी लेंथ दिया है तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा फॉर द सिमेट्रिक वनडे बॉक्स ठीक है अगर आपका वनडे बॉक्स अगर सिमेट्रिक है तो ये जो वेव फंक्शन है ये वेव फंक्शन आपको यूज करने होंगे ठीक है अगर मैंने यहां पे एनर्जी के बारे में बात किया तो इसका जो एनर्जी होगा वो एनर्जी कितना होगा सो द एनर्जी इज एन एम ए टू तो इनका जो लेंथ है इस बॉक्स का लेंथ कितना है टू ए तो ये कितना होगा टू ए स्क्वेयर तो एनर्जी जो होगी वो गर पाई स्क्वेयर एच क्रॉस स्क्र अपॉन एट एम स्क्वेयर ये जो है ये क्या होगी एनर्जी होगी तो इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं इन जनरल जो एनर्जी होगा वो एनर्जी क्या होगा E इज इक्वल टू एन square स्क्न टूम यहाँ पे क्या होगा लेंथ उसका क्या होगा स्क्वेयर होगा तो दिस इज द एनर्जी ठीक है तो ये जो है ये क्या है एनर्जी ऑफ द वनडी बॉक्स तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस जो है वो बेसिक डिफरेंस क्या है द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि अगर आपका असिमेट्रिक 1D बॉक्स है तो आपका जो वेव फंक्शन होगा वो वेव फंक्शन होगा ऑलवेज साइन में ठीक है ना आपका वेव फंक्शन जो होगा वो वेव फंक्शन ऑलवेज साइन में होगा बट अगर आपका जो 1D बॉक्स है वो अगर सिमेट्रिक 1D बॉक्स है इफ योर 1D बॉक्स जो है वो अगर सिमेट्रिक 1D बॉक्स है तो आपका जो वेव फंक्शन होगा वो वेव फंक्शन साइन भी होगा एंड कॉस भी होगा ठीक है अब साइन कब होगा जब आपकी यन की वैल्यू जो है वो यन की वैल्यू क्या होनी चाहिए इवन होनी चाहिए एंड आपका वेव फंक्शन जो है वो ऑड होगा हो वो कब होगा जब आपकी यन की वैल्यू जो है वो यन की वैल्यू क्या होनी चाहिए और होनी चाहिए सो so, और ये ऑड है तो कॉस कॉस में वो आता है इस तरह से आप इसको रिमेंबर जो है वो कर सकते हो ठीक है, so, ये जो था, वन डी बॉक्स असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक ठीक है चलो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो वेव फंक्शन के जो प्लॉट है वो प्लॉट्स कैसे करते हैं प्लॉट्स ऑफ वेव फंक्शन और वेव फंक्शन प्लॉट्स, वेव फंक्शन वेव फंक्शन प्लॉट्स आपने अगर बुक्स में देखा तो बुक्स में आपको ये जो वेव फंक्शन है इस वेव फंक्शंस के प्लॉट्स जो है वो वेव फंक्शन के प्लॉट्स आपको बुक्स में मिल जाते हैं बट एक्चुअली वो जो प्लॉट्स है वो कहाँ से आए ठीक है ना वो हम यहां पे हमें डिस्कस करना है ठीक है लेट्स से मेरे पास मान लो कि ये हमारा एक सिमेट्रिक वंडी बॉक्स है लेट्स से लाइक दिस ठीक है ना ये जो है ये लेट्स से हमारा सिमेट्रिक वंडी बॉक्स है एंड uh, इसके जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है x -a एंड ये है एक्स इज इक्वल टू प्लस यहाँ ना टू so, जीरो जो है ये है हमारा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारा बॉक्स है अब इसमें जो वेव फंक्शन हमें प्लॉट करना है तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट फंक्शन ठीक है अब हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है उस ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को हमें यहां पे प्लॉट करना है सो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन तो वन डी बॉक्स में ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है ग्राउंड स्टेट मतलब टू क्या होगा वन होगा ठीक है ना ग्राउंड स्टेट टू वन ठीक है अब देखो है तो ये जो है ऑड वन क्या है वन जो है वो ऑड है ठीक है अगर ये ऑड है तो इसमें क्या आ रहा है ओ ये जो वनडी बॉक्स है ये वनडी बॉक्स क्या है हमारा सिमेट्रिक वनडी डी बॉक्स ठीक है ना तो ये ऑड है मतलब इसका जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा इसका वेव फंक्शन कॉस में होगा तो ये वेव फंक्शन होगा इसका साइन एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन टू ए इन अब यहाँ पे ऑड है मतलब यहाँ पे कॉस होगा तो ये का कॉस एन पाई बट एन इज वन सो so पाई एक्स बाई ए ये वेव फंक्शन होगा अब ये जो है ये वेव फंक्शन है अब इस वेव फंक्शन का जो है वो प्लॉट हमें निकालना है मतलब ये जो वेव फंक्शन है ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते वो हमें देखना है।, तो देखो, ये जो है इसको हम देखते करते कि एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे देन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एंड देन एट एक्स इज इक्वल टू ए पे ये जो थ्री पॉइंट है दैट हियर 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 एंड हियर ओके चिन्मय सी यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि वेव फंक्शन का जो है वो वेव फंक्शन का प्लॉट करेंगे कि जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन कैसे दिखते हैं देन यहां पे क्या है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन मतलब क्या होगा यन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा यन फॉर द ग्राउंड स्टेट ओके फॉर ग्राउंड स्टेट यन इज इक्वल टू वन तो वन है वन मतलब क्या है ऑड है ठीक है ना अगर है तो यहाँ पे क्या आएगा वो आएगा मतलब cos आएगा देखो मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया है ठीक तो है ना तो ये सिमेट्रिक वन डी बॉक्स है तो सिमेट्रिक वन डी बॉक्स के लिए देखो यहाँ पे अगर यन आपका ऑड है तो यहाँ पे क्या आएगा कौस आएगा सो so, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है ठीक है ना So, यहां पे जो होगा ये क्या आएगा कॉस आएगा ठीक है ना दरअसल यहां पे मैंने के लिए because N equal to 1 है कॉस बिकॉज टू वन है अब हमें निकालना है कि ये जो वेव फंक्शन होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे कितना होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कितना होगा एंड एक्स इज इक्वल टू ए पे कितना so, होगा ठीक है सो आप बता सकते हो कि वट इज द वैल्यू ऑफ दिस वेव फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू माइनस है बताओ क्या आंसर होगा x इज इक्वल टू माइनस ए पे ये जो वेव फंक्शन है इस वेव फंक्शन का आंसर क्या होगा एवरीवन जस्ट इसमें पुट कर दो तो ये क्या होगा साई एन ऑफ x इज इक्वल टू होगा अंडर रूट वन बाई ए है ना और यहाँ पे क्या होगा कॉस अब यहाँ पे क्या है पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ए पुट कर दो तो ये a होगा तो यहां से क्या होगा ए ए कैंसल होगा ठीक है ना सो so, सॉरी यहां पे टू ए है बिकॉज हियर लेंथ ना हियर इज लेंथ तो यहां पे क्या होना चाहिए length तो टू ए होना चाहिए तो यहां पे क्या है दिस इज अ टू Okay? ओके सो चिन्मय जीरो स्कॉलर जीरो ओके okay. सो so, देखो यहाँ पे दिस इज द पाई बाई टू ठीक है ना एंड वी नो दैट कि कॉस्ट पाई बाई टू जो होगा इसका आंसर जीरो और जीरो होगा सो साइन एन ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा जीरो होगा ठीक है ना तो साई एन ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा जीरो होगा मतलब ये जो वेव फंक्शन है

वन अपॉन ए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मतलब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये जो पार्टिकल ये जो वेव फंक्शन है इसकी समथिंग वैल्यू होगी यहाँ पे मैं लेट से ले रहा हूँ चिन्ह में गुड वन अपॉन अंडर रूट वन बाय ए होगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज एट एक्स इज पे कितनी वैल्यू होगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन एट एक्स इज तो x इज इक्वल टू ए पे देखो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो a a कैंसिल होगा cos pi बाई टू जीरो तो ये वैल्यू जो होगी ये भी क्या होगी जीरो होगी तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन का जो प्लॉट होगा ये वेव फंक्शन का प्लॉट जो है ये वेव फंक्शन कैसे दिखेगा द वेव फंक्शन इज लुक लाइक दिस तो ये जो होगा ये आपका वेव फंक्शन होगा दैट इज द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ओके okay? ये आपका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होगा ओके okay? एट एट एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू टू नो पे फंक्शन वैल्यू नहीं होगी क्योंकि देखो ना यहाँ पे यहाँ पे क्या है कॉस है तो यहाँ पे एक्स वैल्यू जीरो पे अंडरुट वन बाई ए ये आंसर होगा आपका है ना ओके सो सभी लोग आप जो है ये मैंने पहले फॉर द ग्राउंड स्टेट आप सब लोग ट्राई करो कि फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ठीक है ना एवरी तो यहां पे देखो ये जो वेव फंक्शन है इस वेव फंक्शन में नोड्स कितना है हाउ मेनी नोड्स आर ठीक है तो ये जो नोड्स है अब इस नोड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में तो यहाँ पे नोड्स मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इस एक्स एक्सिस को कहा, कहा पे कट किया है इस वेव फंक्शन ने कहा पे भी कट नहीं किया आप बोलोगे कि सर ये वाला देखो यहाँ पे कट के ये हमें कंसिडर नहीं करना तो यहाँ पे जो नोड्स होगा ये नोड्स कितने होंगे जीरो देखो कहां पे भी कट नहीं किया तो नोड्स जो होंगे वो क्या होंगे जीरो होंगे अब आप ट्राई कर दो मैंने यहां पे सॉल्व किया है कि फॉर द ग्राउंड स्टेट यू ट्राई फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड जो है वो क्या होगा हमारा लेट से फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ठीक है ना फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये

जो है ये है हमारा x इज इक्वल टू माइनस ए ये है हमारा एक्स इज इक्वल टू प्लस ए एंड पे हमारा है this is at x is equal to zero. ना अब देखो तो यहाँ पे ये यह होगा इसका सेंटर एंड अब यहाँ पे हमें निकालना है कि वेव फंक्शन क्या होगा अब देखो मतलब क्या यू टू क्या होता है हमारा टू इज आवर इवन तो ये जो n है ये क्या है हमारा इवन है तो ये हमारा इवन है ठीक है ना तो इवन है मतलब यहाँ पे साइन एन ऑफ एक्स जो होगा ये होगा आपका अंडर रूट टू अपॉन टू एवन में क्या आ रहा है यन तो यहां पे क्या होगा साइन एन पाई एक्स अपॉन टू ए वाई टू है बिकॉज ये जो बॉक्स है उसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितना है टू ए है ठीक है ना सो so, अगर इसको हमने सॉल्व किया तो यहां पे देखो कि थ्री पॉइंट्स हियर ये वाला पॉइंट ये ये वाला point, ये वाला पॉइंट पॉइंट एंड ठीक है ना तो देखो यहाँ पे इफ यू पुट वे अगर ये वेव फंक्शन है इस वेव फंक्शन का हमें फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एंड एट एक्स इज इक्वल टू ए पे तो क्या होगी इसकी वैल्यू जस्ट बताओ मुझे क्या होगा इसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे क्या होगा ओके सत्य प्रता दासको के जो लेक्चर से आपको मिले जाएंगे आप जस्ट आई एफ एस फिजिक्स पे जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो वहां पे आपको जो पूरे लेक्चर हैं वो लेक्चर्स मिल जाएंगे ठीक है मैंने एक सीरीज भी ली थी मॉडर्न फिजिक्स पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम इफेक्ट तो वहां पे आपको मिल जाएगी ठीक है कोई अलग आंसर स्कॉलर जो बोल गया एट एक्स इज इक्वल टू ए पे आंसर जीरो होगा ओके फाइन गुड और किसी का कोई आंसर कोई डिफरेंट आंसर देखो यहाँ पे ए की वैल्यू है

वेव फंक्शन का सकते हैं बट यहाँ पे वो प्लॉट कर सकते हैं क्या ये तो स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है बट क्या वो वेव फंक्शन ऐसे होगा क्या इसका मतलब क्या है कि अगर हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर फाइंड आउट करने का ट्राई किया तो क्या ये वेव फंक्शन ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेंगे का नो ठीक है ओके सो देखो यहां पे तो हमें निकालना पड़ेगा कि ये जो वेव फंक्शन है ये वेव फंक्शन मैक्सिमम कब होगा ठीक है अजय जावड़े अजय जावड़े चाटे ओके okay. गुड बताओ अजय ये मुझे ये बताओ कि क्या होगा ये जो वेव फंक्शन है ये वेव फंक्शन मैक्सिमम कब होगा दिस वेव फंक्शन इज मैक्सिमम This wave function दिस वेव फंक्शन इज maximum इज maximum when ये वेव फंक्शन जो है ये वेव फंक्शन मैक्सिमम कब होगा अब देखो ये जो वेव फंक्शन है ये वेव फंक्शन किस पे डिपेंड है ये वेव फंक्शन इस पे डिपेंड है बिकॉज अंडर वन बाय ए ये तो कांस्टेंट ही है वो तो चेंज नहीं होगा तो ये वेव फंक्शन का वैल्यू जो है वो यहाँ पे देखो एट पे ये जीरो बन रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये जीरो बनाने के लिए साइन फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है तो मैक्सिमम बनाने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा साइन ही होगा मतलब ये जो वेव फंक्शन मैक्सिमम होगा कब जब साइन पाई एक्स अपॉन ए इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए सबको पता है कि एक्स की जो वैल्यू है साइन एंड कॉस की जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है मतलब मैक्सिमम साइन पाई एक्स बाई ए ये कितना होना चाहिए वन होना चाहिए ठीक है ना क्या okay. शुभदीप भट्टाचार्य जी एट एक्स इक्वल टू

x इज इक्वल टू ए बाई टू एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पे जो वेक्शन होगा यह वेव फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा The wave function is maximum. तो वेव फंक्शन मैक्सिमम कहां पे होगा एट x इज इक्वल टू ए बाई टू पे तो देखो यहां पे यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं वेव फंक्शन कहां पे सो दिस इज कहा बाई टू एंड दिस इज टू तो ये होगा हमारा ए बाई टू एंड ये होगा हमारा माइनस ए बाई टू यहाँ पे जो वेव फंक्शन की वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या है मैक्सिमम है ठीक है तो देखो यहाँ पे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा देखो सो माइनस ए बाई टू मतलब मैं इसको थोड़ा सा रफ करता तो देखो ये वेव फंक्शन की जो वैल्यू है ये वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी तो यहां पे होगा मैक्सिमम वैल्यू और यहां पे होगा मैक्सिमम वैल्यू ठीक है ना वैल्यू so, जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी देखो यहां पे जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस अंडर रूट वन बाय ए ना सो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे वैल्यू जीरो है एंड ए बाई टू पे मैक्सिमम है तो अब इसका अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया

के के लिए लिए था, क्या है? है। ऐसा अगर आपने में में देखा तो ये बट वो कैसे आए यहाँ पे है उसकी ठीक है तो अब आप थर्ड एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए निकाल सकते हो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये आपके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि सेम प्रोसीजर फॉलो करना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू क्या होगी एन इज इक्वल टू थ्री ये होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट एन इज इक्वल टू थ्री थ्री क्या आया हमारा ऑड ये सिमेट्रिक बॉक्स है ऑड है ये नहीं तो और, और में वो आता है तो वेव फंक्शन में क्या आएगा कॉस आएगा तो साई एन ऑफ एक्स इक्वल होगा अंडर रूट वन बाई थ्री पाई एक्स अपॉन टू है एंड ये जो है ये आपका बॉक्स है दिस इज योर बॉक्स ठीक है ना अब यहाँ पे जो है ये क्या है थ्री है मैं यहाँ पे एक टेक्निक बताता आपको कि किस कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि देखो आपने यहाँ पे सॉल्व किया है तो यहाँ पे ये जो प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली लिखो एक्स इज इक्वल माइनस ए है एंड ये एक्स इज इक्वल टू आपका, आपका ए, प्लस ए यहां पे होगा आपका तो ठीक है ना अब इस वेव फंक्शन का अगर आपको प्लॉट करना है तो ये एन की वैल्यू क्या है थ्री है तो यहाँ पे लिखो जीरो पे लिखो वन यहाँ पे लिखो टू और यहाँ पे लिखो थ्री ठीक है यहां पे लिखो ए यहाँ पे लिखो ए यहाँ पे लिखो ए यहां पे लिखो ए ठीक है ना तो ये जो है और यहां पे देखो now, so ये जो वेव फंक्शन है इस वेव फंक्शन की जो वैल्यू इसमें आपको जस्ट क्या करना है सब्सटीट्यूट करना है जैसे कि इस क्वेश्चन में किया था हमने कि पे जीरो बन रहा है वो देखो ठीक है ना कहां पे जीरो बन रहा है वो देखो एंड फॉर दिस सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा कि

तो यहां से मिला कि x a पे जो वैल्यू है वो क्या है हमारी मैक्सिमम है, ठीक है सो सेम सेम पे भी आपको चेक करना जैसे कि हमने ग्राउंड स्टेट के लिए निकाला था तो ग्राउंड स्टेट के लिए होगा Then, के लिए होगा आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालो दैट्स इट तो इस प्रकार से जो वेव फंक्शन है इस वेव फंक्शन को आप प्लॉट कर सकते हो ओके okay, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ये तो हो गया कि वेव फंक्शन का प्लॉट अब हम देखेंगे कि यहां पे जो प्रोबेबिलिटी uh, प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है असिमेट्रिक बॉक्स है एंड इस असिमेट्रिक बॉक्स में मैं यहां पे ड्रॉ करता असिमेट्रिक बॉक्स तो ये मेरा असिमेट्रिक बॉक्स है okay? Let's say this is मेरा asymmetric box. Symmetric box के लिए क्या होगी वो भी देखेंगे बट पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा एक्सेजिकल टू ये तो ये है हमारा असिमेट्रिक बॉक्स है तो इस असिमेट्रिक बॉक्स में हमें जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है ठीक है तो देखो ये जो है ये होगा हमारा ए बाई टू ठीक है ना तो यहां पे मैं ड्रॉ करता तो ये जो होगा ये होगा हमारा ए बाई टू ठीक है यहाँ पे जो होगा इज अवर ए बाई फोर एंड ये जो होगा ये होगा हमारा थ्री ए बाई फोर ठीक है ना तो ये जो ये रीजन है अब इस रीजनस में हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालनी है ये है एक रीजन और ये है दूसरा रीजन ठीक है, देन आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वॉट इज द प्रोबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल ये जो रीजन है ये क्या है half box है, तो इसमें की होने की जो है वो कितनी होगी ये वाला मतलब जो रीजन है इस रीजन में पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी वन हाफ मतलब जो है है वो क्या बट अगर मैंने आपको क्वेश्चन यहां पे ये पूछा मुझे ये मेरा फर्स्ट रीजन है ये मेरा सेकंड रीजन है ये है थर्ड एंड ये फोर्थ अगर मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ फर्स्ट रीजन ओके सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द फर्स्ट रीजन अब देखो ये हाफ बॉक्स है मैं यहां पे इसको डार्क लाइन से ड्रॉ करता ये हाफ बॉक्स है हाफ बॉक्स में पार्टिकल के रहने की प्रोबेबिलिटी कितना है वन हाफ एंड इस हाफ बॉक्स में पार्टिकल की रहने की प्रोबेबिलिटी कितना है अब मैंने आपको पूछा कि ये फर्स्ट वाला रीजन है इस फर्स्ट वाले रीजन में पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द फर्स्ट रीजन ओके सत्यव्रता ये कंप्लीट क्वांटम मैग्निक्स के लेक्चर जो है वो आपको प्लेलिस्ट लिस्ट में अवेलेबल होंगे जिसमें पूरा पार्ट जो है क्वांटम मैगनिक्स का मैंने कवर किया है आप वहां पे जाके देख सकते हो ठीक है टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन वन शुभदीप भट्टाचार्य वन बाय फोर ओके और सत्यव्रता दास वन बाय और, और बाकी किसी का कोई आंसर जल्दी बताओ आपको आज नया कंसेप्ट है वो सीखने को मिलेगा फिर ठीक है ओके वन बाय फोर रोहित कुमार आपका क्या आंसर है अजय स्कॉलर व्हाट इज योर आंसर फटाफट आंसर दे दो क्या आंसर है आपका मैं भी देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करो वन बाय फोर सत्यव्रता दास वन बाय फोर ओके सी इसका जो आंसर होगा आपने यहाँ पे ये किया होगा कि हाफ बॉक्स है तो उसमें वन होगा और रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन बाई टू का हाफ दैट इज वन बाय फोर है ना बट दैट इज रॉन्ग ये जो फर्स्ट रीजन है उसमें पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी वन बाय फोर नहीं होगी क्योंकि देखो अगर यहाँ पे मेरे पास बॉक्स है ये वाला बॉक्स एंड अगर मैंने यहाँ पे वेव फंक्शन का अगर यहाँ पे प्लॉट किया तो ये जो वेव फंक्शन है लेट से मेरे पास ये वेव फंक्शन लाइक दिस है है ना अब मैंने यहाँ पे देखो ये जो पार्टिकल यहाँ पे इस बॉक्स को आधा किया तो इसमें पार्टिकल की रहने की प्रोबेबिलिटी और इसमें पार्टिकल की रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है सेम है बट लेट से मेरा जो वेव फंक्शन है ये वेव फंक्शन मैंने लाइक दिस ऐसे ड्रॉ किया तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है यहाँ पे उसके हाफ है बट अगर मैंने एग्जैक्टली exactly यहाँ पे इसको हाफ किया तो इसमें रहने की प्रॉबलिटी और इसमें रहने की प्रॉबलिटी सेम नहीं होती ठीक है तो फर्स्ट पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो वन बाय फोर नहीं होगी सो वन बाय फोर इज नॉट आंसर तो देखो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा सो so, इस फर्स्ट रीजन में जो पार्टिकल है उसकी रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी वन बाई फोर माइनस वन बाई टू पाए ये होगी प्रोबाबिलिटी इस रीजन में पार्टिकल के रहने की प्रोबेबिलिटी होगी वन बाई फोर माइनस वन बाई टू पाए ये होगा इसका आंसर ठीक है ना थर्ड रीजन में पार्टिकल की जो रहने की प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन बाई फोर प्लस वन अपॉन 2 पाई एंड ये जो सेकंड वाला रीजन है यहाँ पे पार्टिकल की रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 1/4 1/2 पाई ये हो गया आपकी प्रोबेबिलिटीज ठीक है ना सो so, जिन जिन्होंने इसका आंसर 1/4 बताया है वो इनकरेक्ट है ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटीज ओके q सेम नहीं होती तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया ये वेव फंक्शन है ठीक तो तो exactly बट इसको अगर हमने कट किया तो यहाँ पे जो ये देखो यहाँ पे एरिया ये ये देखो देखो तो नहीं होता ये वेव फंक्शन पे डिपेंड होता है आप बोलोगे कि ये पे डिपेंड होता है प्रोबेबिलिटी नो no, ये बॉक्स पे डिपेंड नहीं होता बॉक्स में जो वेव फंक्शन हम ड्रॉ करते हैं उस वेव फंक्शन के ड्रॉइंग होता है इसलिए तो मैंने यहाँ पे वाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक फर्स्ट मैंने यहाँ पे ये टॉपिक फर्स्ट क्यों लिया है कि प्लॉटिंग ऑफ योर फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस देखो ओके सो स्कॉलर देखो वहां पे वन बाय टू पाई जो है वो क्यों आता है देखो जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई इन साई स्टार डीएक्स ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी अब ये क्या है हमारा असिमेट्रिक बॉक्स है तो असिमेट्रिक के लिए जो वेव फंक्शन होता होता है है हमारा वो होता है, a sin, ए, जब हम उसको टू तो जो जो तो अगर आपने ऐसे सॉल्व किया तो भी आपको आंसर यही आएगा बट जस्ट मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया तो इस ट्रिक को आप यूज करो आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा ओके okay? सो so, uh, दैट्स इट इतना जो था यही हम देखेंगे और बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड इसका जो कॉन्टेस्ट है वो कॉन्टेस्ट की जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो हमारा फोर पी को जो कॉन्टेस्ट का डिस्कशन होगा उसके लाइव चार्ट में मैं जो लिंक है वो लिंक का आपको प्रोवाइड करूंगा ओके सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू बाय टेक केयर